हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारा क्या है, न्यू कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेंगे। नाउ ओपन द चैप्टर नंबर 1, न्यू कंप्यूटर। ओके, न्यू कंप्यूटर, द कंप्यूटर दैट वी यूज टुडे आर मॉडर्न कंप्यूटर। आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर है। मैं देखा है बहुत से बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं और बिना वीडियो देखे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो और इस मॉडर्न एज में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, जिसे आप सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। दे आर वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल था और फास्टर भी है, चीपर भी है, कम पैसे में भी है, आपके बजट में भी आ जाएगा और साइज में स्मॉल भी है। तो क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के यहाँ पर आपके पास तीन चीजें हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। तो पहले हम एनालॉग के बारे में जानते हैं। एन एनालॉग कंप्यूटर इज वन विच कैन परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशन एट वंस। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें आप कई तरह के कैलकुलेशन आप कर सकते हो एक ही बार में। जैसे फ्रैक्शंस हैं, नंबर्स के जो फ्रैक्शन होते हैं उन्हें आप निकाल सकते हो। दिस कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस। कहाँ पे यूज होता है एनालॉग कंप्यूटर, साइंस और इंजीनियरिंग में। बट दिस कंप्यूटर ओनली गिव अप्रोक्सीमेशन इन द वैल्यू, पर जो ये कंप्यूटर है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो क्वेश्चन आता है कि किस फील्ड में एनालॉग कंप्यूटर आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर वर्क विद डिजिट, ये कंप्यूटर क्या करता है, डिजिट में काम करता है, यानी कि नंबर में काम करता है। ऑल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड एज डिस्क्रीट डिजिट और नंबर, जितने भी यहाँ पे क्वांटिटीज हैं वो नंबर या डिजिट में आपको शो होते हैं। दिस कंप्यूटर रीड एंड स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ जीरो एंड वन, और जब इसको सेविंग करते हैं तो ये जीरो और वन के उसमें सेव होता है। प्रोग्राम को जब आप सेव करते हैं तो जीरो और वन के फॉर्म पे सेव होता है। डिजिटल का मतलब जब आप लीटर में पेट्रोल भराते हो या आप आपके पास डिजिटल वॉच है तो वो आपकी डिजिटल कंप्यूटर का काम करेगी। और जहाँ पर आप टेम्परेचर लेते हो, हाइट नापते हो या हार्ट बीट लेते हो तो वो आपका एनालॉग का काम करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क स्टेशन। दे आर लाइक पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर तरह आपको शो होगा। Which are very powerful and are specially used for running complex program. और ये complex program के लिए होता है। Which powerful machine are greatly used by scientists. और ये scientists के द्वारा बनाया गया बहुत ही powerful machine है। और कहाँ पे use होता है, engineering और other professional में use होता है, पर they are very expensive. और ये expensive होता है। Palm top are also called PDA. पाम टॉप को आप पीडीए भी बोलते हो या हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी बोलोगे या पॉकेट कंप्यूटर भी बोलोगे। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपके कंप्यूटर के एडवांटेज हैं वो क्या है। द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर, कौन कौन से एडवांटेज हैं आपके पास। लार्ज मेमोरी, मल्टीपर्पज, मल्टीटास्किंग, एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंट एंड डिटेक्ट एरर। तो आपको कोई चार या पांच आपको लर्न याद करना है कि राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। आपको इसको इस चीज पे याद करनी है और इसको लिखना है। कंप्यूटर यूज, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की डेट में आप इतना करिए, इतना करके रखिए। Take care, bye.